नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा अरोड़ा। आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। खास खबर में आपका स्वागत है। दोसा एक बार फिर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विपक्ष के इशारों में काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक तरफा जहां जनता बिजली के बिल माफ करने की बात कर रही है, उस पर अशोक गहलोत ने बयान दे दिया है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हमेशा किसानों के साथ रहने की ही होती है और इस बार भी किसानों के साथ ही है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली के बिल माफ़ करने की बात को नकार दिया, या सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस राजस्थान के दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी घमासान जारी है। आज सचिन पायलट दौसा जिले के भंडाना में अपने पिता की श्रद्धांजलि सभा में दौसा पहुंचे थे। उन्होंने उस मौके पर भी यह कहा कि राजस्थान से कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेंगी। भ्रम फैलाने वाले कोई भी हो, वह केवल भ्रम ही फैलाएंगे। AICC के दो उम्मीदवार राजस्थान से जीत कर जाएंगे। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के विधायक व निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन राजस्थान में चलते सियासी घमासान के बीच एक बार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह फिर साबित कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच विरोधाभास अभी भी जारी है। चाहे चुनाव राज्यसभा का हो या विधानसभा का, लोकसभा, दोनों नेता अपने आप को राजस्थान का सर्वमान्य नेता साबित करने में लगे हैं, जिसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। बहरहाल यह है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा की क्या दोनों सीटें लेकर जाती हैं या नहीं। लेकिन राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलकों में इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। राजस्थान में सत्ता में भागीदार दो बड़े नेताओं की आपसी खींचतान पार्टी को तो भारी पड़ रही है, लेकिन आम जनता के लिए भी यह आपसी खींचतान बहुत दुखदायी साबित हो रही है। विश्वास नहीं होता कि इतना लंबा समय चल गया। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश की जनता, देशवासियों का, आप सब लोगों का जिन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया और आज लगातार 20 वर्षों तक पूरा आशीर्वाद। क्या हो रहा है यार, कैमरा के पीछे काम करने की कोशिश करी है। अरे हमारा फैमिली के लिए, दूसरे वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए जो जो कार्य प्रयास किए थे उनको आगे बढ़ाने का काम, हर कोशिश मेरी यही रहती है। हम चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो।